ये है सूट पूरा प्रिंटेड, कैसा लगा मम्मी आपने? और ये है पूरा सूट ऑर्गेन्जा का, और ये पूरा सूट है, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे सब आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। और पिछले व्लॉग थोड़ा मतलब ये रियल फीलिंग ही निकल के आई थी जो भी थी, लेकिन आप सबके ऐसे कमेंट्स आ रखे थे कि लड्डू को दादी के पास दिया, लड्डू दादी के पास ही रहता है और अभी भी आशीष ऊपर लेके आए हैं दादी के पास से, क्योंकि मुझे मैं घर ये काम भी करना होता है तो इसलिए सुबह शाम दादी के पास ही रहता है। 15 मिनट्स के व्लॉग में जज मत करो कि आप ये नहीं करते आप वो नहीं करते। तो जो बाकी था व्लॉग की मुझे सामान दिखाना था वो अभी तक मैंने दिखाया नहीं है, और उस सामान में से मैंने ये न्यू कुर्ती पहन ली है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे रखे रखे और कपड़े कह रहे थे हमें यूज़ करो। और आज मैंने एक न्यू लिप शेड यूज़ करी है तो पिंकी, लेकिन थोड़ी ग्लिटरी ग्लिटरी है देखो। तो ये मुझे रुचि दीदी ने गिफ्ट की है, टिन टिन की शेड है पिंक बेरी, तो किसी को लेनी हो अच्छी लगे तो आप ले सकते हो। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये गिफ्ट आज वो आए थे तो मैंने बोला था, फिर उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो अब मम्मी आने वाली हैं ऊपर, मम्मी ने कहा मैं ऊपर ही आ जाऊंगी, कहाँ तुम सामान लेके नीचे आओगे। तो अभी बस मम्मी क्या थी, मैं आप सबको सामान दिखाना शुरू करूंगी। एक कुर्ती मैंने उसमें से पहन लिया, तो ये बता देना कमेंट करके कैसी लग रही है। वुलन है और वुलन ही प्लाजो है इसका। तो अभी 5 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है गाइस। देखो कौन है, आशीष का हालचाल पूछने सुबह। हेलो भाई साहब ने उठाए हैं, आकाशिश ना दीप्ता ही सोने लग रहे थे। हां लड्डू गाइस हम लोग गए थे नेपाल, तो कैसा रहा टूर? बहुत अच्छा रहा, आने के बाद पता चला ऐसा हो गया। हमने फोन पे तो बात कर ली थी, हां स्पेशली टाइम निकाल के आए। बात हुई थी तो बहुत बात हो ना भाई। हां तू फेवरेट वो फ्लाइट पर डिपार्ट कर, आज की ऑनलाइन क्लास चल रही है। हां फिर स्कूल गई, ठंड ज्यादा हो गई ना इसलिए। और ये सुबह जाते हैं रात को 11-11 बजे बैठो, मैं चाय बना लाऊं अपनी। सब सब यू ही क्यों कर, इबे पी का है, इबे खाना खा का है, ये सब चीजें लेट चल रही है ना, और पूरा दिन खाने पीने में निकल जाता है। हाँ कदे कुछ कदे कुछ कदे कुछ, तो बस मैं कले खाना, तो मीठा खा लो, गज्जक खाओगे गज्जक। पहले तो हम सुबह रेडी हुए आने के लिए, तो काम वाली आ गई, मैंने कहा तो नहा धोते अपना लंच वंच करके फिर चलेंगे, फिर तुम ऑफिस निकल जाना मैं घर आ जाऊंगी। मुझे दिल लड्डू खेलने लग रहा है अपने ताऊ जी के साथ, जंपिंग जंपिंग कर रही है आज मेरे, जंपिंग जंपिंग हो गई भाई रोज। है अपने पापा की लगा टाइम ट्रैवलिंग पर भी लगा, कूद कूद दिखा रहा है ये पापा, ऐसा कूद रहा था ऐसे कूदना था, आप गलत कूद रहे थे। हाँ लड्डू ने बताई सच्चाई, कि पैर नहीं लाने थे, खाली अपने बॉडी बॉडी को मूव करना था, ऐसे करना स्टंट स्टंट करके दिखाओ थे पापा, तो फ्लाइंग शॉट बन गए हो भाई लड्डू, पापा को ट्रेनिंग दे, अजय देवगन बनने की कोशिश कर रहा था लड्डू तेरे पापा। हाँ ओ बट देख आज नया सूट आया, आज गाड़ दिए कभी ना जाने लग रही हूं, अच्छा स्कैम जाएगा करो, चली मारी मास्टरनी। बाय गाइस, बाय 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 बाय, तू जागा भाई, तू जागा नुका, जब जान का टाइम आएगा ये जाएगा तो फिर तो पढ़ लिए बच्चे। तो गाइस आई है सामान दिखाने की बात, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मम्मी के सूट से। ये राम मम्मी का सर्दियों का सूट, मम्मी के पास ब्लैक कलर ना था ना, है ना आपके पास, तो इसलिए अलग कलर लेकर आया मैं और मम्मी अपने अपने सूट आज सिलवान लेन जाएंगे। और ये देखो पश्मीना की सलवार है, ये शॉल है, और ये है सूट पूरा प्रिंटेड, कैसा लगा मम्मी आपने? सही है देखो, जड्डे का ये अच्छा है, पसंद आ गया, रंग भी सही है। आपके पास था भी को नहीं ऐसा, इसलिए मैं यही वाला लेकर आई, मेहरून भी था ग्रीन भी था, मैं इसे तो पैर रखी है कहीं, तो ये वाला मैंने ज्यादा अच्छा लग गया, और आज हम सिलवाने दे आएंगे इसको सर्दियों में। एक ये है मेरा सूट, ना बिना सिला, ये दुपट्टा है इसका पूरा सीक्वेंस के वर्क के साथ, और ये है पूरा सूट ऑर्गेन्जा का,
मतलब पड़ा था, करना पड़ा था। सिला का नहीं होता प्रॉपर सिला का पूरा यो कपड़ा आता है बस सेमी स्टिच है और ये इसकी बॉटम। मेरे को मतलब वैसे सूट नहीं चाहिए थे जो आजकल सब पहन रहे हैं, कुछ अलग चाहिए कि भाई हाँ वैसे भरे भरे नहीं हो, सिंपल सोबर एलिगेंट से जो कहीं भी आने जाने में पहने जाए वैसे सूट है। कैसा लगा मेरा सूट? बढ़िया है, बहुत अच्छा है, प्रिंट भी बढ़िया है, रंग भी कितना अच्छा है, इसका रंग भी सही है। और एक सूट है ये वाला भी बता दूं, ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा पार्टी वियर है। ये देखो ये बॉटम है इसकी, ये इसकी दुपट्टे पे मुकेश टूट रही है, मतलब जैसे हुआ था ना मुकेश का काम वैसे काम हो रहा है इस पर। सैंपल ना है हाँ। और ये पूरा सूट है, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। और ये स्लीव्स है बाजू बाजू खड़ी खड़ी सिल्क नहीं है क्योंकि खड़े खड़े कपड़े मुझे पसंद नहीं है जैसे चंदेरी वगैरह के, तो मैं वैसे लेती नहीं हूँ, तो ये लिया था मैंने। कमेंट करके बताना गाइस कलर कॉम्बिनेशन और सारी चीजें कैसी हैं। सर्दियों के नहीं लिए क्योंकि सर्दी अभी थोड़े दिन की रह रही है, इस महीना रहेगी ज्यादा, तो फिर ऐसे ही चलेंगे सूट। और एक वेलवेट का लिया था जो मैं सिलना दे के गई थी, पर अभी सिला नहीं, उसका दुपट्टा दुपट्टा है मेरे पास, सूट नीचे रखा है मम्मी के पास, तो वो जब सिल जाएगा किसी रील में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और ये लेके आई थी मैं गरम पजामे अपने मोटे मोटे थोड़े, तो ये तो कई साल तक ही चल जाए, ये तो कई साल चल जाएंगे, ये पहने जाएंगे। आशीष का सफारी सूट और जो कपड़े लिए थे हमने आशीष के वो आएंगे सकरात के सीधे में जो आप व्लॉग में देखोगे आगे। और ये है मेरी स्वेटर, ये है अभी हाँ बढ़िया है, बाल बाल से लग रहे हैं इस पे, कहीं जाएंगे तो जरूर पहन के जाएंगे पार्टी वियर, वैसे तो खीर है फिर में तो गर्मी को ना तो बाहर जा जब बता रहे ना बत्ती तक हाँ अच्छे लगे पर जब सुथरे लगे। और एक ये मेरी पैंट थी, ये भी गर्म है, ये मतलब वैसे बाहर आने जाने में भी यूज हो जाएगी और घर में पहनना चाहो तो जैसे टॉप वॉप के ऊपर बाहर वेस्टर्न कहीं पहनना हो सर्दी में तो ये बढ़िया काम करेगी। अब है लड्डू के कपड़ों की बारी, लड्डू के ओ लड्डू लड्डू के बारी आते लड्डू बोलो। ये तो इसकी एक हाई नेक है बस नीचे पहनाने के लिए, ये इसकी सॉक्स है बड़ी सारी क्योंकि सर्दियों में कपड़े जल्दी सूखते भी को नहीं धुलने के बाद, तो इसलिए एक्स्ट्रा रखनी पड़ा है, ये सर्दियों के कपड़े है। चलो देखो क्योंकि मतलब जो सब लेकर आए थे ना फंक्शन में कपड़े, ये वो बड़े लेकर आ रहे हैं कि वो अगली सर्दियां, पर मना ना लगता भी अगली सर्दियां में आऊंगे भी इतना फिर छोटे हो जाएंगे तो हाँ। देखो यार ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग गई, कैसी है? बढ़िया है। ये इसकी पैंट है काली, अभी मोटी है, मोटी है, देखिए इतनी मोटी ज्यादा ना लग रही है, बढ़िया। और एक लड्डू घर से पहन के आया था, कपड़े हो गए तीन सेट हो गए, तीन तो होती रहेगी गार्डन गप हो जाएगा पति। और एक सकरात के सीधे मां होगा इसका, एक ये कैप है, दो वार्मर थे, एक मैंने पहना दिया इसमें से वार्मर में से क्योंकि कपड़े सूखते नहीं है जल्दी। और एक कुर्ती मैंने ये पहनी हुई है पर्पल कलर की, और एक ये है ग्रीन कलर की, वाइट प्लाजो के साथ सारी चल जाएंगी, कई चल जाएंगी मैं। इसमें ना सिलवाने का झंझट के सूट सिलवाना है अपना, गर्मी सर्दिया में मस्त पहनो, कितनी सर्दी चलेंगी अभी तो नहीं है आई। और ये वाली मैंने पर्पल आज ही पहनी है बस ना के। और एक चीज और थी, जैसे कंटेनर्स होते हैं जैसे फ्रिज में सामान वामान रखना होता है, तो उसके लिए मैं ये बास्केट लेके आई थी, ये बची हुई सब्जी मतलब वैसे ओपन वाली, और ये टमाटो के लिए जैसे पॉलिथिन में से निकाल के इसमें रख दो, है ना सही, फ्रिज में पड़े पड़े ना लेंगे, इसमें सही है, अच्छी क्या लगती है,
जो का टमाटर शिमला मिर्च एक दो बच जा है वे इन में रख देवे खिंडी खिंडी ना अंडो मैं लटकी हूँ ये हाँ मेरे देखते यही दिमाग माई के मैं अपने फ्रिज तक ही ले लूँ क्योंकि मम्मी का फ्रिज जो है वो नीचे पुराना है तो उसकी टोकरी ना है तो उसमें ये अच्छे से काम आएंगी दोनों तो ये दोनों आज मतलब निकाल तो मैं लेती लेकिन दिखाने के चक्कर में के व्लॉग बनाऊंगी इस चक्कर में पैक के रखी थी दो दिन मैं आई थी संडे ना आई थी और आज क्या हो गया वेडनेसडे हो गया तो ये तीन दिन तो पैक रखी है और आज मैं इनको नीचे लेके जाऊंगी अभी जब खाना बनाने जाऊंगी तब पे एतवार ना आई थी हाँ शाम को तो गाइज ये था पूरा सामान जो जो मैं घर से लेके आई थी तो कमेंट करके बताना क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्या चीज बुरी लगी बुरी तो मैंने ख्याल तो कुछ भी कोनी और कौन सा सूट ज्यादा अच्छा लग गया और मम्मी का भी ब्लैक सूट मम्मी अच्छी लग रही इसमें पहन के जब कहीं जाएंगे आने जाने तो ही रखते घर में तो मम्मी ये कुर्ती सुर्ती पहन रहे अपनी तो शाम को जाएंगे सूट सिलवाने और कहाँ जाते हैं सूट सिलवाने वो आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि मतलब वो यहाँ पे बहू है वो अपना सिलाई का काम करती है तो उन्हीं के पास यहाँ पे मैंने अभी सिलवाने शुरू करे वरना पहले तो मैं अपने मायके में ही सिलवाती थी तो अभी भाई वो टाइम पे नहीं देते तो अब यहाँ पे भी ढूंढ मैंने देख लिया कि भाई टेलर कोई मजबूरी में लेकिन सूट अच्छे सिलते हैं दीदी तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को जो आप अभी देख रहे हो मैं सूट पहन रही हूँ वो नीचे सिले हुए हैं सारे और ये लड्डू की कैप कान बन रहे हैं के सही बन रही है इस ड्रेस इस वाली ड्रेस से मैचिंग हो जाएगी देखो हाँ इस सब आया क्योंकि है ना कई फंक्शन फिट हो जाएगी ये लड्डू हाँ सही है और फिर इसके फर है ना इसमें ना पसीने आ जाए इसके अंदर कपड़े वाली लेकर आई बाहर तक गर्म हवा ना जाए अंदर तक कपड़ा यो सही है वो कति गर्म है हाँ वे पसीने आ जाए फिर एकदम हटाते ठंड लग जाए पसीने आऊं हाँ बीमार है पसीने पर रहा था ना भी बच्चा ना पसीने आ रहे थे फिर हाथ फेरना पड़ा बाद में क्योंकि पसीना मावा लगी तो बीमार हो गया ना फिर सरसा काम में ज्यादा है ना ठंड भी तो ज्यादा है देखा है सब लोग क्या है अपनी दादी तक के पास ना रहता आपके पास नहीं रहता लड्डू दादी तो दे दो लड्डू ने अभी बस खाना खाया था मम्मी ने इसलिए लिया था ना तो मम्मी के पास से रहे लड्डू अरे कैसे देखने लग रहा है क्या देखा है ये तो घर में पहन के ये थोड़े आन जान के हैं अरे एक जो पैर का आया था वे भी घर में पहन के जो पिता आना जानो पार्टी पुटी में सही हो जा कैसे है लड्डू तेरे कपड़े अच्छे हैं इसमें जो कपड़े पसंद ना आते ना उन रो रो कर निकलवाते मेरी तरह उस दिन बना लिए मैंने ब्लू कलर के यहाँ था वो थोड़ा टाइट था इतना साका मचा दिया रो रो के इतना नहीं काटा ना टाइट हो गया खुले बटन आले बटन परेशान हो जाए खुले फिर मैं लाते है ना अरले है तो ढीले ले है जुकरिया है या लूज है आराम तो आ जाएगी या सही बड्डी है थोड़ी नो कोई ना कुटिए टाइट हो गया हां देखो कितनी लूज है इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं लट्टू थोड़ा और बड़ा हो जा और अच्छे अच्छे कपड़े आए करेंगे छोटे हो गया है वो है ये आ गया अगले साल ये छोटी एक ही है कभी ना छोटे हो गए ये रखने पड़ेंगे फिर रखने पड़ेंगे तो अगर कोई छोटा बच्चा होगा पट्टा थोड़ी इनका के पट्टे कैसा लगा मम्मी सामान सारा बढ़िया है सारा ये ज्यादा अच्छी लगी ना मन तो ये बढ़िया लगी ये कच्ची ये सही होगी टोकरी घर का सामान लाने में बड़े मजे आ रहे हैं है ना लड्डू अरे वो तुम्हारी रसोई थोड़ी छोटी है नीचे वाली ना तो सारी चीज रखी जा गाइस के मतलब बड़ी वाली गैस भी है मेरे पास और क्या कह रहे हैं माइक्रोवेव सारी चीज है लेकिन जगह ना है इसलिए ना रख पा रहे इसमें सारी चीज पैक हो ही रखी है मैं यूज कर देता ही फड़फड़ा रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो सकता पापा तो कहनी पड़ेगी बड़ी रसोई बनवाऊंगे जब रखी जाएंगी सारी चीज ये अभी मैं नीचे ले जाऊंगी ये मम्मी का सूट सिलवा लेना इसने ठीक है अनजान में ठीक है हाँ
पहन लेना क्योंकि उसे तो मैंने सिलवा दिए थे आपके कॉटन के गर्म सर्दिया के ना है ना सर्दिया का सिल जाएगा बाहर एक आधी बार बाहर दिन में सीखेगी सिलेंगी वो देखाऊंगी आज मैं भी देखूंगी अपने सिलने कह देखो मैं देखूंगी ये दो तो दे आऊंगी एक तो आज रहा है हाँ एक और कौन सा ये जो इबले का ये वाले यो यो जाडे का ना दोनों में आ गया जाडे का ना लाई ये तो गर्मी के लिए जाडे का मम्मी जाडे के रहे थे दो के करे इतने का सकरात में भेज देगी मम्मी इसी दे में तो गाइस कमेंट करके बताओ कैसे लगे मेरे सूट ठीक है अब बाकी का काम कर ले हम रोटी भी ना खाई हमने खाना खा लेते तो गाइस जैसे कि बता रहे थे कल की व्लॉग में मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं मतलब दोनों तरफ बात ठीक है दोनों हमारे मम्मी और मेरे में हम मतलब काफी शुरू थे जब तक मैं आई हूँ हम शुरू थे ऐसे रहे माँ बेटिया की तरह लेकिन जैसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए मेरे पे हो जाए मम्मी पे हो जाता है बुरा लग जाए ऐसे ना है कि मम्मी पे ना होती है मन में बुरा ना लगता लेकिन टाइम पर बात क्लियर हो जाए वो ठीक है ना मम्मी और मम्मी आप ऐसे करो कि वो बड़े हाँ मम्मी का पूरा ध्यान रखे हैं मम्मी तब पूछ लो आप 15 मिनट्स के व्लॉग में जज मत करा करो कि आप ऐसे नहीं करते ऐसे नहीं करते मम्मी की तबीयत हम नीचे आते जाते रहे ये ना है कि मम्मी अकेली रहे हमेशा जाते हैं ना नीचे पूछ काम सारी चीज कर रहे हैं और टेंशन मत लो मम्मी हो गया था ये हो गया था एक दो तो बड़ा मोटा हो चलता है मेरी भी गलती होगी कि भाई मैंने प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए था भैया अंधेरा था तो नू देख लेती मम्मी है कि ना तो इसकी कौन है ना इन्हें हाँ लॉटरी थी ना रात हो रही थी रन भी ज्यादा हो गया ना आगे तो इस चीज का मतलब पहली बार होया था लेकिन आगे तो ध्यान रखेंगे हम इस चीज का कि मम्मी तो किसी भी चीज की दुख ना हो रो को नहीं आगे तो ना तो पापा तो मर मारेंगे मेरे बुलबुल ना रुआ मेरे पीछे हसबी उतनी है हमारी अल्लाह कदे कदे रो ले आंख साफ हो जाएंगी ठीक है गाइस तो मम्मी खुश है पूरी हमारी गल ऐसा ना क्या मम्मी ने दुखी रखा है या आशीष दुखी रखा है आशीष तो मम्मी का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है और दोनों जैसे बेटे हैं मम्मी के उन तभी ज्यादा ध्यान रखा है कुछ भी होते खड़े पा है कुछ ना है इसलिए मम्मी ने दुखा है कि कभी आज से कैसा ना होया आज क्यों होया तो इसलिए वो भी गलत करने की वजह से तो गाइस ये था आज का सामान दिखाऊंगी तो व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो बहुत सारे लेकिन अच्छे अच्छे तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन टेक केयर टाटा बाय 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 कर दो मम्मी बाय 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 गाइज